अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस एपिसोड की शुरुआत फास्ट सीन से ही होती है। चियारू भीगी हुई ताकुमी के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ। ताकुमी कहता है, तो तुम डायरेक्टर के साथ सोई, तुमने ऐसा क्यों किया? चियारू कहती है, मैं और क्या करती, उसने मुझसे कहा अगर मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूंगी तो वो मुझे ब्रॉडकास्ट स्टेशन में टॉप पोस्ट देगा। ताकुमी कहता है, जो भी रीजन हो तुमने ये सही नहीं किया। चियारू कहती है, पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैं चिल्ड्रन शो करना चाहती हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। ताकुमी, तुम सोच रहे होगे कि मैं मजाक बन चुकी हूँ। ताकुमी कहता है, किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ, और वो चियारू के पास जाकर उससे कहता है कि चाहे कुछ हो वो मसामी को इस बारे में नहीं बताएगी। पर चियारू कहती है, मसामी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ताकुमी अचानक से उसे किस करता है और फिर सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। कहता है, तुम मसामी को बताना कि तुम मेरे साथ सोई, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चियारू उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट डे ताकुमी उसे वापस नागोया ले जाता है। बारिश हो रही थी और चियारू कार की बैक साइड में लेटी हुई थी। चियारू उसे थैंक्स कहती है हेल्प करने के लिए और साथ ही बताती है, मैंने सोच लिया है कि आगे क्या करना है। देन वो कहती है, एक्चुअल में मैं इतनी प्रिटी नहीं हूँ जितना फोटो में लग रही हूँ, तुमने मेरा बहुत अच्छा फोटो क्लिक किया है। ताकुमी कहता है, तुम मेरे लिए हमेशा से ही प्रिटी हो। चियारू कहती है, तुम्हारे ऐसे बोलने से लग रहा है जैसे तुम मुझसे लव करते हो। यहाँ ताकुमी अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर देता है। चियारू सरप्राइज होती है। ताकुमी कहता है, तुम कुछ मत सोचो, बस मोमेंट को एंजॉय करो क्योंकि मैं तुमसे ये सब फिर से नहीं कहूंगा। देन थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ताकुमी वॉइस ओवर में कहता है, मैं हमेशा से ही सोचता रहा हूँ अगर उस टाइम चियारू जिंदा होती तो उसका फ्यूचर कैसा होता। प्रेजेंट में ताकुमी चियारू की डेथ का कारण खुद को मानता है, इसी वजह से वो नोराकुरा को खुद से दूर करता है। उसे लगता है कहीं वो भी उससे दूर ना चली जाए। रात को नोराकुरा ताकुमी की बात सोचती है जब उसने कहा था, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मर सकती हो। नोराकुरा ताकुमी की कंडीशन के बारे में सोचकर रोने लगती है कि उसने उस पर्सन को खो दिया जिसे वो लव करता था और उसकी डेथ के लिए वो अभी तक खुद को ब्लेम करता आया है। नेक्स्ट डे उरई अमारी को बताती है कि वो सोलो डिजाइन से जॉब छोड़ रही है। अमारी पूछता है, क्या तुम ताकुमी के पास के बारे में जानकर जॉब छोड़ रही हो? उरई कहती है, ऐसा नहीं है, बस मुझे यहाँ से अच्छी जॉब का ऑफर मिल रहा है इसलिए। नोराकुरा भी कंपनी पहुँचती है पर उरई उसे इस बारे में अभी नहीं बताती। जब ताकुमी कंपनी पहुँचता है तो सभी उसे देखने लगते हैं। ताकुमी को पता होता है कि सभी उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि रात को ही काओरू ने उसे मैसेज कर दिया था कि उसने उसके पास के बारे में सभी एम्प्लॉयज को बता दिया है। ताकुमी जल्दी से ऑफिस जाता है और सोचता है, काओरू को इन्हें नहीं बताना चाहिए था। बाहर सभी वर्क कर रहे थे तभी उन्हें कैबिन से ताकुमी के गिरने की आवाज़ आती है। वो सभी भाग कर अंदर पहुँचते हैं। ताकुमी बताता है, वो बस लाइट चेंज कर रहा था तो गिर गया। पर नोराकुरा उसे गिरा हुआ देख कर परेशान हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग में उस रात का ही सीन चल रहा था। ताकुमी नोराकुरा से अकेले में बात करता है। ताकुमी नोराकुरा को हग करके कहता है, आई एम सॉरी, तुमने मुझे मेरे वर्स्ट में देख लिया। नोराकुरा कहती है, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ, और वहाँ से चली जाती है। नोराकुरा हमेशा की तरह उसी पार्क में जाकर बैठती है। वर्क से फ्री होकर ताकुमी उसके पास जाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ तुम रहो। जब कुछ अनॉयड करे तो गुस्सा हो, जब कुछ टफ हो तो रो, जब खुश हो तो हंसो और इंजॉय करो। नोराकुरा उसकी बात पर सिर्फ स्माइल करती है। नेक्स्ट डे जब ताकुमी कंपनी आता है तो वो उरई की कंपनी छोड़ने की बात सुन लेता है पर वो उसे इस बारे में कुछ नहीं कहता। रात को उरई नोराकुरा को बता देती है कि वो कंपनी छोड़कर जा रही है। नोराकुरा उसे कंपनी छोड़ने से मना करती है। उरई कहती है, तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसने मुझे कंपनी से जाने को मना किया, पर मुझे पता नहीं कि ताकुमी मुझे जाने से रोकेगा या नहीं। नोराकुरा कहती है, वो तुम्हें जरूर रोकेगा। इधर ताकुमी यही सोच रहा होता है कि क्या वो उरई को कंपनी से जाने से रोके या नहीं, क्योंकि ये डिसीजन उसका है। भले ही वो उसे कह नहीं पा रहा पर वो नहीं चाहता कि उरई कंपनी छोड़े। नेक्स्ट डे कंपनी में उरई ताकुमी को बताती है कि वो कंपनी छोड़कर जा रही है और वो ताकुमी को थैंक्स कहती है उसे चांस देने के लिए।
बाकी लास्ट डे कब होगा इसके बारे में वो बाद में बात करेगी। ताकुमी सिंपली ठीक है कहकर चला जाता है। वो एक बार भी उरई को जाने से नहीं रोकता। नोराकुरा को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में ताकुमी के ऑफिस में जाकर उसे सुनाने लगती है, तुमने उरई को रोका क्यों नहीं, एटलीस्ट एक बार तो उसे जाने से रोकते। ताकुमी कहता है मैं उसे ही नहीं किसी को भी नहीं रोक सकता जाने से, क्योंकि सभी एम्प्लॉइज यहाँ इंडिपेंडेंट है। अगर उरई जाना चाहती है तो वो जा सकती है, और अगर तुम भी जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ताकुमी की ये बात उसे अपसेट कर देती है। ये कहती है मैं जब भी सोचती हूँ कि हम क्लोज आ गए हैं तुम मुझे खुद से दूर कर देते हो। और फिर नोराकुरा चिल्ला चिल्ला कर उससे कहती है तुम मुझे अच्छे से ट्रीट ही क्यों करते हो, फिर अचानक से रूडली बिहेव करने लगते हो। बाहर तीनों नोराकुरा के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। कावरो समझ जाता है नोराकुरा का पारा चढ़ गया। नोराकुरा गुस्से में ताकुमी को बाहर खींच कर लाती है और कहती है अगर ऐसे ही रहे तो अकेले रह जाओगे। उरई कहती है ये तुम क्या कर रही हो नोराकुरा। नोराकुरा कहती है तुम्हें ताकुमी को थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये सच में बहुत जिंदी और बुद्धू इंसान है। सभी ताकुमी की इंसल्ट होते हुए देखकर हंसने लगते हैं। ताकुमी नोराकुरा को रोकता है। उरई नोराकुरा से कहती है थैंक्स तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कह दिया, अब आगे मैं ही कहती हूँ। वो दिल से ताकुमी को थैंक्स कहती है उसे हायर करने के लिए, उस टाइम जब कोई भी उसे हायर नहीं कर रहा था। और वो ताकुमी को एडवाइस भी देती है कि वो अपना पेन सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि सबके साथ शेयर करे जिससे वो उसकी हेल्प कर सके। ताकुमी उरई से कुछ कहने में हेजिटेट होने लगता है और नोराकुरा से पूछता है अब मैं क्या करूं, मैं तुम जैसा अच्छा नहीं हूं बोलने में। नोराकुरा कहती है तुम बस हॉनेस्ट रहो और उरई से वो कहो जो तुम फील कर रहे हो। ताकुमी हिम्मत करके उरई से कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब छोड़ो, अगर तुम चली जाओगी तो कंपनी का लॉस होगा और मैं तुम्हें मिस भी करूंगा। उरई कंपनी छोड़ने का डिसीजन छोड़ देती है। सभी खुश हो जाते हैं। रात को नोराकुरा ताकुमी से कहती है कि वो घर जा रही है और ऑफिस में रुडली बात करने के लिए सॉरी भी कहती है। ताकुमी कहता है तुम घर जाओ, अगर मेरे जैसे होपलेस पर्सन के साथ रही तो कुछ भी हो सकता है। नोराकुरा कहती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो ताकुमी को किस करके चली जाती है। उस सडन किस से ताकुमी सरप्राइज होता है और इसी के साथ एपिसोड 6 एंड होता है।